नर्मदापुरम जिले के सिबनी मालवा क्षेत्र में चने के बाद अब किसानों की गेहूं की फसल सूखने लगी है। फसल खराब होने से किसान चिंतित बने हुए हैं। जिले के सिबनी मालवा तहसील के ग्राम अलमाड़ा में कई किसानों की फसल सूखने लगी है, जिस पर कृषि विभाग के अधिकारी सहित कृषि अनुसंधान केंद्र के कृषि वैज्ञानिक अलमाड़ा पहुँच कर किसानों की गेहूँ की फसल का निरीक्षण किया, साथ ही किसानों को उचित सलाह भी दी। कृषि वैज्ञानिक के मिश्रा ने बताया कि गेहूं की फसल में जो रोग लगा है, मुख्य रूप से बालियां ऊपर से सफेद हो रही है। अभी ये बीमारी बहुत कम खेतों में दिखाई दे रही है। जिन्होंने जल्दी गेहूं लगाया था उन खेतों में यह बीमारी दिखाई दे रही है। जो फसल हरी भरी है उसमें अभी दवाई का छिड़काव कर देंगे तो वह फसल अच्छी होगी। इसी के साथ ही किसानों को बताया कि बीमारी से बचने के लिए फसल में स्प्रिंगलर से सिंचाई ना करें। कुलदीप कुमार सोनर नाम है सर मेरा। सर ये गेहूं आप देख सकते हैं हरा का हरा सूख रहा है। गेहूं की आयु लगभग अभी 80 दिन की है। अभी दाना पूरा पका नहीं है, उसमें ये कंडीशन है कि 50-60% उम्मीद सूख चुकी है इसकी। गंभीर सिंह राजपूत। देखिए गेहूँ अभी हरा का हरा सूख रहा है सर, दाना नहीं है अभी, तो अभी एकड़ पीछे कम से कम 10-12 हज़ार की लागत, 50% नुकसान दिख रहा है आप भी देख रहे हैं। और अभी ये पता नहीं कि ये बीमारी रुकेगी कि आगे और बढ़ेगी, हर एक दिन बढ़ती जा रही है प्रतिदिन। विभाग से पटवारी सर्वे करा के नुकसान का जो भी बनता है किसान को देने की कृपा कर प्रशासन।